हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा, असिस्टेंट प्रोफेसर AISC एंड आर्कियोलॉजी, DAV PG कॉलेज वाराणसी। मैं आज आप लोगों के साथ लॉ ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य विधि में साक्ष्य के प्रकारों के अंतर्गत चौथे प्रकार दिव्य साक्ष्य के विषय में चर्चा करूंगी। इसके पूर्व के वीडियो लॉ ऑफ एविडेंस पार्ट वन में हम लोग तीन प्रकार के साक्ष्यों की चर्चा कर चुके हैं, तो आइए हम लोग दिव्य साक्ष्य एवं उसके विभिन्न प्रकारों के विषय में विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने जिन तीन साक्ष्यों, साक्षी अर्थात विटनेस, लेखा अर्थात डॉक्यूमेंट्स और भुक्ति अर्थात पजेशन का अध्ययन किया, वे सभी प्रमाण मानवीय प्रमाण हैं, परंतु दिव्य प्रमाण जिसकी चर्चा की हम लोग अभी कर रहे हैं वह दैवीय प्रमाण है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में मानवीय प्रमाणों के अतिरिक्त कुछ दैवीय प्रमाणों के भी उल्लेख मिलते हैं, जिन्हें कि प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में दिव्य की संज्ञा दी गई है। विवादों के निर्णय में दिव्य साक्ष्य के प्रयोग का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। ऋग्वेद में वर्णित उचथ के दीर्घतमा की कथा में लुडविग महोदय ने अग्नि एवं जल के दिव्यों का संकेत किया है। पंचविश ब्राह्मण में उल्लिखित वत्स की कथा में ही संभवतः अग्नि दिव्य के प्रयोग का सबसे प्राचीन उदाहरण मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में भी गर्म कुल्हाड़ी पकड़े जाने की चर्चा मिलती है, जो कि अग्नि दिव्य का एक प्रमाण है। इन दिव्यों का प्रयोग भारत के अतिरिक्त संसार के अन्य अनेक प्राचीन देशों में भी इसका उल्लेख, इसके प्रयोग की चर्चा मिलती है। दिव्यों की सहायता से विवादों के निर्णय के उल्लेख भारतीय नहीं बल्कि हमारे जो विदेश प्राचीन वैदेशिक संस्कृति है उनके धर्म ग्रंथों में भी इनके उल्लेख प्रायः मिलते हैं। गुस्सवे ग्लोट्स ने लिखा है कि संसार का कोई ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां के लोग अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए दिव्यों का सहारा न लेते हों। विवाद के निर्णय का यह एक सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। अब हम लोग दिव्य के अगर प्रकारों की बात करें तो प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के दिव्य प्रचलित थे, जिनके के उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलते हैं। जैसे कि शंकलिखित ने चार प्रकार के दिव्यों का उल्लेख किया है। पहला जल दिव्य, दूसरा विष दिव्य, तीसरा तुला दिव्य और चौथा तप्त लौह दिव्य। इसी प्रकार से नारद सात प्रकार के दिव्यों का उल्लेख करते हैं, जिनमें पहला अग्नि दिव्य, दूसरा जल दिव्य, तीसरा तुला दिव्य, चौथा विष दिव्य, पांचवा कोश दिव्य अर्थात पवित्र किया हुआ जल, छठा तप्तमाश दिव्य और सातवां तंडुल दिव्य। इसी प्रकार से शूद्रकृत मृच्छकटिक नाटक तथा बाणभट्ट रचित कादंबरी में भी दिव्यों के अनेक प्रकार मिलते हैं। अगर दिव्यों के प्रयोग की बात की जाए तो जो हमारे प्राचीन शास्त्रकार हैं उन्होंने व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक स्थिति और इसके साथ ही साथ उसके वर्ण के अनुसार उपरोक्त दिव्यों के प्रयोग का निर्देश देते हैं। जैसे कि तुला दिव्य स्त्रियों, अल्पवयस्कों, वृद्धों, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों, रोगियों तथा ब्राह्मणों के लिए उचित है। अग्नि दिव्य क्षत्रियों के लिए है। वहीं पर जल दिव्य वैश्यों के लिए तथा विष दिव्य शूद्रों के लिए उचित माना गया है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के दिव्यों के प्रयोग के लिए समय, दिन, माह, स्थान तथा ऋतुएं भी सुनिश्चित थी। जैसे जल दिव्य का प्रयोग दोपहर में तथा विष दिव्य का प्रयोग रात्रि के अंतिम प्रहर में किया जाता था, उसको उत्तम माना गया है। और अगर दिन की हम लोग बात करें तो रविवार जो दिन होता था वो किसी भी दिव्य के लिए
सर्वोत्तम दिन माना गया है। सूर्योदय अगर समय की बात करें हम लोग तो सूर्योदय तथा अपराह्न सभी प्रकार के दिव्यों के प्रयोग के लिए उचित समय है। अब कौन से दिव्य किस ऋतु में दी जाए उसकी अगर हम लोग बात करें तो पावस अर्थात वर्षा काल में अग्नि दिव्य, तुला दिव्य के लिए जो ऋतु निर्धारित है वो शिशिर ऋतु है, वहीं जल दिव्य गर्मियों के समय में दिया जाता था और वहीं पे जो विष दिव्य का प्रयोग होता था वो शीत ऋतु में इसके प्रयोग को उचित माना गया है। तो आइए हम लोग अब दिव्य के विभिन्न प्रकारों के विषय में विस्तार पूर्वक से बात कर लेते हैं। तो जो दिव्य के विभिन्न और मुख्य प्राचीन भारत में जो प्रकार थे उनमें जो पहला दिव्य हमको मिलता है वो अग्नि दिव्य है, दूसरा जल दिव्य, तीसरा तुला दिव्य, चौथा विष दिव्य, पांचवा कोश दिव्य, छठा तप्तमाश दिव्य, सातवां तंडुल दिव्य। अगर अग्नि दिव्य के पहले अग्नि दिव्य के विषय में हम लोग बात करें तो इस दिव्य में अग्नि, वरुण, वायु, यम, इंद्र, कुबेर, सोम, सविता एवं अनेक जो विश्वदेव हैं उनके नाम पर पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ गोबर के 9 वृत्त बनाए जाते थे। इन वृत्तों का जो व्यास होता था वह 16 अंगुल का होता था और इसके साथ ही साथ ये जो 9 वृत्त होते थे 16 अंगुल व्यास के, इनके मध्य परस्पर जो दूरी थी वो भी 16 अंगुल की हुआ करती थी। अब इन वृत्तों को बनाने के पश्चात अग्नि में 108 बार घृत की आहुति दी जाती थी और उसी के एक तरफ एक लौहकार बैठा होता था जो कि 50 पल वजन का एक 8 अंगुल का एक लौहखंड अग्नि में तपा करके लाल करता था। अब जो दिव्य ग्रहण करने वाला व्यक्ति था जिसको कि शोध्य की संज्ञा दी गई है प्राचीन धर्म ग्रंथों में, तो जो शोध्य होता था अर्थात दिव्य ग्रहण करने वाला व्यक्ति जो आरोपित था, जिसके ऊपर आरोप किसी अपराध का लगा हुआ होता था, वो व्यक्ति उसके सिर के ऊपर वो अपराध लिख करके रख दिया जाता था शोध्य के ऊपर और मंत्रों के साथ ही अग्नि का आह्वान किया जाता था। अब शोध्य जो है वो पूर्वाभिमुख होकर मतलब पूर्व की दिशा की तरफ वो मुख करके पहले वृत्त में जो 9 वृत्त बने होते थे गोबर के उसके पहले वृत्त में खड़ा हो जाता था, उसका मुख पूर्व की दिशा की तरफ होता था। अब शोध्य के दोनों हाथों पर क्या किया जाता था कि लाल रंग का एक चिन्ह बनाया जाता था जो कि चिन्ह बनाने वाला व्यक्ति होता था वो न्यायाधीश होता था, वो लाल रंग का चिन्ह बनाता था और उन पर चावल रगड़ देता था। अब उसके पश्चात न्यायाधीश क्या करता था कि शोध्य के हाथों पर 7 पीपल की पत्तियां रखकर उस पर कुछ चावल और दही रख करके उन सारे चीजों को एक सूत से बांध दिया जाता था उसके दोनों हाथों को। तदुपरांत अब न्यायाधीश जो लौहकार गर्म लोहे का टुकड़ा तपा करके अग्नि में लाल किया हुआ होता था उसको न्यायाधीश चिमटे से उठा करके उस लौहखंड को शोध्य के पत्तियों बधे हाथ पर रख देता था। अब शोध्य 8 वृत्तों उस गर्म लौहखंड को अपने हथेली पर लिए हुए 8 वृत्तों तक चलता है और तत्पश्चात क्या होता था 9वें वृत्त में वो दोनों हाथों वाले तप्त लौहखंड को फेंक देता था। इसके उपरांत न्यायाधीश शोध के हाथों को पुनः चावल से रगड़ता था। इस दौरान यदि शोध्य उनको रगड़ने देने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करता था और साथ ही साथ दिन के अंत तक उसकी हथेलियों पर यदि कोई घाव का निशान नहीं दिखाई देता था तो वह शोध्य निरपराधी घोषित हो जाता था, निर्दोष घोषित हो जाता था। इस संबंध में कात्यायन आगे जोड़ते हुए लिखते हैं कि ये व्यवस्था देते हैं कि यदि 8वें वृत्त में पहुंचने से पहले ही अगर लौहखंड गिर जाता है या फिर शोध्य लड़खड़ा जाता है या फिर हाथ में कहीं और जल जाता है
तो शोध्य को यह दिव्य फिर से दोबारा से पुनः एक बार करना पड़ता था। अब हम लोग दूसरे दिव्य जल दिव्य की बात कर लेते हैं। जल दिव्य के अंतर्गत किसी जलाशय के किनारे शोध्य के कान की ऊंचाई तक का एक तोरण खड़ा किया जाता था और इसके साथ ही साथ वह वरुण देवता मझोले आकार के धनुष और उसके साथ तीन बाणों की धूप बत्ती पुष्प इत्यादि से पूजा अर्चना करता था। तोरण से 150 हाथ की दूरी पर एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता था और उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए तीन उच्च वर्णों का कोई एक व्यक्ति होता था जो कि शोध्य का बैरी नहीं होता था। वो क्या करता था कि वो पूर्वाभिमुख होकर पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके नाभि तक के जल में खड़ा हो जाता था उस जलाशय में। तब न्यायाधीश उस शोध्य को, मतलब कि जो जल दिव्य ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, शोध्य है, उस शोध्य को जल में खड़ा करता था और उसका अपराध लिख करके शोध्य के सिर पर रख देता था। इसके उपरांत एक क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति जो कि उस दिन उपवास ग्रहण किए रहता था, तोरण से लक्ष्य तक तीन बाण को फेंकता था, धनुष से तीन बाण फेंकता था लक्ष्य तक। शोध्य वरुण देवता से यह प्रार्थना, इस बीच जो शोध्य होता था वो वरुण देवता से यह प्रार्थना करता था, हे वरुण, सत्य के द्वारा मेरी रक्षा करो। और उसी दौरान, तीन बाण फेंकने के दौरान ही, एक फुर्तीला युवक उन गिरे हुए बाणों के स्थान पर जाकर के दौड़ के खड़ा हो जाता है और बाण लेकर के खड़ा हो जाता है। अब तोरण के पास जो दूसरा फुर्तीला व्यक्ति खड़ा हो जाता था, तब न्यायाधीश तीन बार ताली बजाता था और तीसरी ताली के साथ ही शोध्य जल में खड़े व्यक्ति की जांघ पकड़ करके डुबकी मारता था, मतलब वो डूबा हुआ रहता था, ऊपर नहीं आता था, डुबकी मारता था और तोरण के पास खड़ा व्यक्ति तेजी से दूसरे बाण वाले व्यक्ति के पास दौड़ के जाता था और बाण वाला व्यक्ति तोरण के पास दौड़ के आता था। और इस दौरान वो दोनों व्यक्ति जो तोरण से बाण की तरफ, लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं और जो लक्ष्य से तोरण द्वार की तरफ आ रहे हैं, वो दोनों ही व्यक्ति शोध्य के को अगर नहीं देखते हैं, क्योंकि वो डुबकी मारे हुए रहता है, शोध्य को नहीं देखते हैं या उसके सिर का ऊपरी भाग ही अगर देखते हैं तो जो शोध्य है वो निर्दोष सिद्ध हो जाता था। यदि वह दोनों व्यक्ति, बाण लाने वाले व्यक्ति, यदि शोध्य का कान या नाक देख लेते थे तो, या फिर उसके साथ ही उनको कहीं अन्यत्र बहते हुए देख लेते थे, तो शोध्य जो है अपराधी सिद्ध हो जाता था। अब हम लोग तीसरे दिव्य की बात करते हैं, तुला दिव्य की। इस दिव्य में किसी यज्ञ वृक्ष, जैसे कि खदीर हो गया, खैर का वृक्ष, या फिर उदुम्बर यानी गुलर का वृक्ष, इन वृक्षों के दो स्तंभ उत्तर से दक्षिण दिशा में गाड़ दिए जाते थे और जिनकी की ऊंचाई दो हाथ जमीन में नीचे की तरफ कर जाते थे। उसमें तराजू का पड़ला लटका दिया जाता था और तराजू के एक पड़ले में शोध्य को बिठा करके दूसरे पड़ले में मिट्टी, ईंट, प्रस्तर खंड से उसको तौला जाता था। एक बार तौलकर शोध्य को उतार लिया जाता था और उसके पश्चात उसको असत्य भाषण से उत्पन्न फल सुनाए जाते थे और फिर उनको मंत्रों के साथ पुनः फिर से एक तराजू के पड़ले पे बैठाया जाता था। अब एक ज्योतिषी पांच पलों की गणना करता है और उसकी दूसरी बार फिर से उसको उन्हीं वस्तुओं से तौल लिया जाता है जिससे उसके पूर्व तौला गया होता था। अब यदि दूसरी बार वह पहले की तुलना में कम ठहरता है तो उसे निरपराधी या निर्दोष घोषित कर दिया जाता है, किंतु यदि वह ज्यों का त्यों या भारी ठहरता था तो उस शोध्य को अपराधी मान लिया जाता था। लेकिन वहीं पर बृहस्पति एक चीज ये जोड़ते हैं, उनका मानना है कि यदि दूसरी बार पुनः तौल लेने पर
यदि शोध की बराबर की तोल आती थी तो उसको दोबारा से तौलते थे, परंतु यदि भारी अगर वो ठहर गया तौल में तो उसको अपराधी मान भर के दंड दिया जाता था। जो चौथा और अगला दिव्य है वो विष दिव्य है। विष दिव्य का प्रयोग, इसका संपादन महेश्वर की मूर्ति तथा ब्राह्मणों के समक्ष रख करके किया जाता था, और विष की जो मात्रा होती थी वो मौसम के अनुसार घटा बढ़ा करके दी जाती थी। जैसे कि वर्षा ऋतु में 6 यव, ग्रीष्म में 5 यव, हेमंत या शिशिर में 7 या 8 यव, और वहीं पे शरद ऋतु में 6 यव निर्धारित थी। विष दिव्य को रात्रि के अंतिम प्रहर में गढ़ा कराया जाता था, और जब जो विष दिया जाता था अलग अलग मात्रा के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, तो उस विष में उसकी 30 गुना घी मिलाया जाता था। और ये जो विष दिव्य होता था ये ब्राह्मणों को छोड़कर किसी को भी दिया जा सकता था। विष पान के उपरांत जो शोध्य होता था उसे छाया में बिना खाए पिए सुरक्षा में रहना पड़ता था। यदि विष का प्रभाव उस पर नहीं होता था तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता था, और यदि विष अधिक हो और शोध्य 500 तालियां बजाने तक बिना प्रभाव के रह जाता है तो उसे निरपराधी निर्दोष मान करके उसकी दवा की जाती थी। अगला जो दिव्य है वो कोष दिव्य है। कोष दिव्य के अंतर्गत शोध्य को कुछ उग्र देवताओं जैसे कि रुद्र, दुर्गा और आदित्य यानी कि सूर्य देवता की पूजा करके उनकी मूर्तियों को स्नान कराना पड़ता था, और न्यायाधीश शोध से एक मंत्र के साथ वो जो मूर्तियों का स्नान कराया हुआ पवित्र जल है उसको न्यायाधीश शोध को 3 बार पिलाता था। दुर्गा के स्नान का जल चोरों तथा आयुजीवियों को दिव्य के रूप में दिया जाता था, किंतु सूर्य के स्नान का जल ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता था। अन्य दिव्यों का फल शीघ्र ही घोषित होता था, किंतु जो कोष दिव्य है उसके फल के लिए कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। यह अवधि विवाद की संपत्ति तथा अपराध की गुरुता पर निर्भर करती थी। याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु धर्म सूत्र तथा नारद स्मृति के अनुसार जो कोष दिव्य है वह 14 दिनों के पश्चात यदि शोध्य पर अगर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि राजा व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था या फिर देवों के क्रोध के कारण उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती, उसका कोई पुत्र अथवा स्त्री नहीं मरते, या फिर वो गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ता, या उसका कोई धन नहीं नष्ट होता, तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता है। और इसी प्रकार से राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि कोष पान अर्थात पवित्र जल का पान, क्योंकि वो जो जल है वो देवताओं की मूर्तियों के स्नान का जल है, इसलिए उसको वो पवित्र जल का पान कहा जाता है। तो जो राजतरंगिणी का उल्लेख है उसमें कोष पान केवल निर्दोषता सिद्ध करने के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों के समक्ष अपनी सच्चाई एवं सद्विचार प्रकट करने के लिए भी किया जाता था। जो अगला दिव्य है वह है सप्तमाश दिव्य। इस दिव्य में गर्म स्वर्ण खंड का प्रयोग किया जाता था, जिसके अंतर्गत न्यायाधीश एक 16 अंगुल व्यास वाले 4 अंगुल गहरे तांबे या फिर लोहे या फिर मिट्टी के बर्तन में 20 पल घी या तेल डालकर उसे खौलाता था। इसके उपरांत उस बर्तन में 1 मासा तौल का स्वर्ण खंड, 1 मासा मतलब 8 रत्ती के लगभग होता है, तो 1 मासा तौल खंड का स्वर्ण खंड उसमें डालता था। अब इसमें शोध्य को अपनी 2 अंगुलियों तर्जनी और मध्यमा से उस खोलते हुए तेल में से उस स्वर्ण खंड को निकालना पड़ता था। यदि उसकी अंगुलियों में कंपन ना हो और वे ना जलें तो फिर शोध को निर्दोष सिद्ध कर दिया जाता था। अगला जो दिव्य है वह तंदुल दिव्य है। इस दिव्य का प्रयोग चोरों, ऋण या फिर अन्य धन संबंधी विवादों में लागू होता था। इस दिव्य को करने के 1 दिन पूर्व धान से चावल निकाले जाते थे, उसी दिन न्यायाधीश सभी क्रिया संपादित कर लेता था। अब ये चावल जो है एक मिट्टी के बर्तन में रख करके धूप में सुखाए जाते थे। तत्पश्चात सूर्य के स्नान का जल उन चावलों पर छोड़ करके उसे रात भर भिगोकर
रख दिया जाता था। दूसरे दिन जो शोध होता था वह प्रातःकाल उन चावलों को 3 बार निगलता था और निगलने के पश्चात वह पीपल की पत्ती या फिर भोज पत्र यानी कि भोज पत्र पर उसे उन चावलों को थूकना पड़ता था। यदि उसके थूक में रक्त पाया जाता था तो उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता था और यदि उसमें रक्त नहीं पाया जाता था तो उसे निर्दोष सिद्ध कर दिया जाता था। इस प्रकार से जो देवग्रहण है वह सामान्यतः राजा, मुख्य न्यायाधीश, श्रोत्रिय या फिर किसी दिव्य ग्रहण जो है वो सामान्यतः राजा, मुख्य न्यायाधीश, श्रोत्रिय तथा जनता के समक्ष किया जाता था। किंतु जो कात्यायन है उनका मानना है कि जो गंभीर पाप के मामले हैं उनमें दिव्य प्रसिद्ध मंदिर में कराया जाना चाहिए, राजद्रोह में राजद्वार के पास तथा वर्ण संकरों के संबंधित अपराध में चौराहों पर, और इनके अतिरिक्त जो अन्य सामान्य मामले हैं वे न्यायालयों में या फिर राजा के दरबार में दिव्य ग्रहण कराया जाना चाहिए। इनसे भिन्न स्थलों पर दिव्य के प्रयोग का कोई महत्व नहीं होता। ऐसा माना जाता था कि यदि व्यक्ति निर्दोष है तो उस पर दिव्य अपना प्रभाव निर्दोष है तो उस पर दिव्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अन्यथा वो जो दिव्य है वो अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा, जिसके फलस्वरूप शुद्ध को अपना प्राण देना भी पड़ सकता है। और अगर हम लोग दिव्यों के इतिहास की बात करें तो प्रारंभ में पूर्व समय में दिव्य का जो प्रयोग था वो अत्यंत कठोर था, लेकिन धीरे धीरे समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें कुछ सरलता आई और कालांतर में छोटे अपराधों के लिए, जो सामान्य अपराध होते थे उनके लिए जो दिव्य करवाए जाते थे उनके स्थान पर शपथों का प्रयोग होने लगा। और ये जो भारत में इन दिव्यों की जो परंपरा है वो अभी भी कुछ जनजातीय समुदाय या फिर बहुत ही ग्रामीण समुदायों में अलग अलग रूपों में दिव्य के रूप में भी देखने को मिलती है, शपथ ग्रहण के रूप में भी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ धन्यवाद, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।